संघ लोक सेवा आयोग ने 2023 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें भोपाल के अयान जैन ने 16वीं रैंक पाई है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है अयान जैन। अयान, सबसे पहले अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारी आपको बधाई। बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है, कैसी तैयारी आपने करी, क्या आपको यकीन था 16वीं रैंक आ जाएंगी आपकी? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीव लग रहा है। पढ़ाई तो पहले मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, फिर मैंने खुद से पढ़ने की कोशिश की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत देखता था, मॉक टेस्ट बहुत देता था, अकॉर्डिंगली एनालाइज करके करता था। रिवीजन पे बहुत हैवी फोकस रहा है मेरा हमेशा, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना के रिवाइज करना। रैंक एक्सपेक्ट तो कोई नहीं कर सकता, अब मेरी तरफ से बहुत अच्छा गया था एग्जाम, तो खुश हूँ अपने रिजल्ट से। लास्ट ईयर भी मेरी रैंक 87 आई थी, तब मैं IPS में सेलेक्ट हुआ था। तो अभी आप IPS में कहीं पोस्ट, मतलब ट्रेनिंग वेनिंग में थे? जी, मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ली हुई है, मैंने एग्जाम दिया था ज्वाइन करके। अच्छा, किस तरीके के, चूंकि आपका आपके घर का बैकग्राउंड तो सिविल सर्विसेज का ही है, फादर आपके IPS रहे हैं, ब्रदर आपके जो है IAS है, किस तरीके की तैयारी, किस तरीके से फोकस जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको करना चाहिए आपको लगता है? मुझे लगता है एक बार जब डिसाइड कर दिया है इस एग्ज़ाम को देने का, तो पूरी डिवोशन पूरी शिद्दत के साथ देना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कई लोग जॉब के साथ करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर डिसिप्लिन होना चाहिए कि पढ़ाई अच्छे से करें, इस एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत हैवी कंपटीशन है इस एग्ज़ाम में, जो कि कई बार मेरे ख्याल से जब एग्ज़ाम शुरू करते हैं हम देना तो समझ नहीं आता है, वो जब एक अटेम्प्ट हो जाए तब समझ आता है। तो पूरी मेहनत करनी चाहिए, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के एनालाइज करते रहना चाहिए और गलतियों से सीखते रहना चाहिए। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कभी आपको ऐसा लगा कि अब, चूंकि लगातार आप बता रहे हैं IPS, इससे पहले आप IPS में सेलेक्ट हुए, फिर आप लगातार मेहनत करते रहे, अब IAS बन रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा ख्याल आया कि नहीं अब बहुत हो गया? जी, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया था, सेकेंड अटेम्प्ट में मेरी IPS मिला और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तो मुझे लगता है कि सेकेंड अटेम्प्ट में सर्विस मिल जाने के कारण काफ़ी मोटिवेशन भी मिला और काफ़ी प्रेशर भी रिड्यूस हो गया, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा मुझे मेहनत और करना। इवन दो हाँ, मैं 4 साल से पढ़ाई कर रहा था तो काफ़ी थकान तो हो गई थी, पर वो एक्स्ट्रा पुश मिल जाता था ये सोच के कि कुछ समय की और मेहनत से काफ़ी और अच्छी चीज़ मिल सकती है, तो लगे रहा। किस तरीके के इंटरव्यू में सवाल पूछे गए, कुछ ऐसे नए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अनुभव आपका काम आएगा? जी, काफ़ी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस थे, कुछ मेरे मैथ्स ऑप्शनल को लेके थे, कुछ दिल्ली को लेके थे, दिल्ली के एयर पोल्यूशन को लेके, कुछ पुलिसिंग पे भी थे और कुछ जनरल नॉलेज और जनरल अंडरस्टैंडिंग के भी। आपने बताया आप मैथ्स ऑप्शनल लेके आपने तैयारी करी, तो क्या मैथ्स ऑप्शनल जो है वो आसान होता है, या किस तरीके के सब्जेक्ट चयन किस प्रकार से करना चाहिए नए बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं? जी, मैथ्स ऑप्शनल की बात करें तो डेफिनेटली काफ़ी डिफ़िकल्ट ऑप्शनल है और बहुत ही लेंदी ऑप्शनल है, पर उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मोर ऑर लेस स्टेबल मार्किंग पैटर्न रहता है हर साल। ऐसा नहीं होता कि कभी बहुत ही कम जा रहे हैं मार्क्स, कभी बहुत ही ज़्यादा, पर उसमें अगेन बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम देना पड़ता है, तो GS को कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है उसके कारण। जहाँ ऑप्शनल चुनने की बात है, या तो अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को लिया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत स्कोरिंग भी हो और बहुत ज़्यादा बड़ा उसका सिलेबस ना हो। मेरे ख्याल से मैं बोलूँगा कि टॉपर्स से डिस्कस करिए, या उनके स्टॉक्स को देख के, या कोई अगर आपके सीनियर्स या दोस्त ने लिया हो तो थोड़ा अच्छा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके आप डिसाइड कीजिए। सिर्फ ऑप्शनल को देख के, उसका सिलेबस देख के बहुत अच्छा आइडिया नहीं लग पाता है, कम से कम पेपर ज़रूर देखिएगा और मार्किंग पैटर्न ज़रूर देखिएगा। अयान, आपकी 16वीं रैंक आई है, आप जो चाहोगे मतलब वो स्टेट आपको मिल सकता है, आप किस स्टेट के लिए जाना चाहेंगे और किस क्षेत्र में काम करेंगे? जी डेफिनेटली मैं किसी भी स्टेट में बहुत खुशी काम करूँगा, मध्य प्रदेश मेरी पहली प्रेफरेंस है, तो बहुत खुशी यहाँ भी काम करूँगा। क्षेत्र की बात हुई तो एजुकेशन एक एरिया है जहाँ पे मैंने कॉलेज में भी काम किया है और काफ़ी रुचि रखता हूँ मैं उसमें, पर अगेन जहाँ पोस्टिंग मिलेगी बहुत मौके तो मिलेंगे ही, बहुत अवसर मिलेंगे। घर में किस तरीके से मम्मी पापा, किस तरीके से सपोर्ट मिला, चूँकि आपके भाई IAS है वो तो बाहर ही रहते होंगे, किस तरीके का परिवार से सपोर्ट मिला आपको, किसने ज़्यादा आपको सपोर्ट करा? जी, हर प्रकार का सपोर्ट मिला है, बहुत ही सपोर्टिव थे हमेशा पेरेंट्स, जब डिसीजन भी लिया UPSC देने का तब भी सपोर्टिव थे, कुछ हेल्प चाहिए होती थी तो हमेशा ट्राई करते थे,
मोटिवेट भी करते थे, बहुत सैक्रिफाइसेस भी किए हैं पेरेंट्स ने, तो बहुत ही मैं उनको बहुत ही थैंकफुल हूँ, अपने पेरेंट्स को, अपनी पूरी फैमिली को उनकी हर हेल्प के लिए। जी मेरे बड़े भाई ने भी बहुत हेल्प की, गाइड भी किया है हर स्टेज पे, तो ओवरऑल बहुत हेल्प मिली है मुझे अपनी फैमिली से। एक लास्ट क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, क्या मैसेज उनको देना चाहिए? जी मैं यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम को अच्छे से समझिए, उसका सिलेबस अच्छे से समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझिए, ताकि आपको अच्छा आइडिया लगे कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें किस तरह से आपको आंसर देना है, ताकि आपकी पढ़ाई एकदम एग्जाम से अलाइंड रहे, कोई टाइम वेस्ट ना हो और अच्छे से आप अपने समय को इस्तेमाल करें, और फिर आप अपनी गलतियों से समझेंगे तो ग्रेजुअली और इम्प्रूव होता रहेगा। बेस्ट विशेस। तो ये थे हमारे साथ अयान जैन, जिनकी भोपाल से हैं जो, और जिनकी यूपी एससी में 16वीं रैंक आई है। उनका साफ कहना है कि यदि जो बच्चा इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो फोकस तरीके से करे। भोपाल से आनंद पवार, अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।